फटी जींस पर बयान देकर कई दिन तक सुर्खियों में रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम रावत ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा बांटे गए अनाज को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार द्वारा बांटे गए चावल को लेकर जलन भी होने लगी कि 2 सदस्यों वालों को 10 किलो जबकि 20 सदस्य वालों को 1 क्विंटल अनाज क्यों दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें दोष किसका है, जलन किस चीज की है, जब समय था आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल के संकट काल में भी लोगों को राहत देने का कार्य किया है। आज भी भारत अन्य देशों की तुलना में राहत महसूस करता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की गई थी जिसको लेकर सियासत गर्मा गई थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति विषय पर आयोजित कार्यशाला में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब वह युवाओं को फटी जींस पहनकर घूमते देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। उन्होंने एक संस्मरण का जिक्र करते हुए कहा कि वह जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट में बैठे थे, उनके बगल में एक महिला बैठी थी। उस महिला ने पांव में गमबूट और घुटनों से फटी जींस पहनी हुई थी। महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनजीओ चलाती हैं, पति जेएनयू में प्रोफेसर हैं, घुटने फटे दिख रहे हैं, समाज के बीच में जाती हैं, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दे रही हैं। मुख्यमंत्री रावत के इस बयान के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने इस मामले में माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा कि वह बच्चों का कार्यक्रम था, मैंने एक पिता और एक अभिभावक होने के नाते उन्हें संस्कारों के बारे में जानकारी दी थी। मेरा जींस से कोई विरोध नहीं है, मैंने फटी जींस का विरोध किया है, फिर भी किसी को मेरे कथन से ठेस पहुंची हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बताते चले कि फटी जींस पर बयान देकर कई दिन तक सुर्खियों में रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद हो सकता है। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया, जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए, इतना बढ़िया चावल आया कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका, उसने 20 पैदा किया, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिल रहा, अब इसमें जलन काहे का, जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए, काहे का जलन भाई। लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते। लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया। भारत की 130-135 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे, लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 2.5 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है, फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया, जिसके 10 थे
तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किया, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिल रहा। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए, काहे का जलन भाई? ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।